हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पंजाब हुकूमत और मजहबी जमात के कायदीन में मुजाकरात कामयाब। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर 7 रोज से जारी धरना खत्म। बंद रास्ता खुलने पर अवाम ने सुख का सांस लिया। मौलाना अशरफ जलाली कहते हैं, 1 माह में मुहाइदे पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर धरना देंगे। राणा सनाउल्लाह के इस्तीफे का मामला ख्वाजा हमीदुद्दीन सयालवी पर छोड़ दिया। ख्वाजा साद रफी का कहना है कि तमाम मामला आईन और कानून के मुताबिक तय किए गए। पिशावर में जरई रिसर्च डायरेक्टरेट पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इकदाम कत्ल और दहशतगर्दी के दफात शामिल। हमले में शहीद 9 अफराद में से 4 की मैयतें लवायतीन के सुपुर्द। 15 जख्मी अस्पतालों में जेरे इलाज। पिशावर यूनिवर्सिटी और अतराफ के तालीमी इदारे बंद। नवाज शरीफ कोयटा पहुंच गए, पश्तूनखा मैत के जलसे से खिताब करेंगे। पंडाल सज गया, जलसा गांव में कारकुनों की आमद भी जारी। अयूब स्टेडियम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची की सियासत में हलचल। मुस्तफा कमाल के बाद सलीम शहजाद ने भी अपनी सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। कहा उनकी पार्टी में चाइना कटिंग वाले नहीं होंगे। 16 दिसंबर को औरंगी टाउन में जलसा होगा। अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस 4 दिसंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और अफगानिस्तान में कयाम अमन पर बात होगी। इंडिया क्या रहा है, ठीक है आप केस करो, हम पाकिस्तान को तमाम इंटरनेशनल मैचेस से इनको ब्लॉक करवाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते मकबूजा बैतुल मुक्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर सकते हैं। खबरें गरम, ऐसा हुआ तो मशरक वस्ता की कशीदा सूरत हाल मजीदा कशीदा हो जाएगी। रूसी सफीर से मुलाकात के बारे में अमरीकी वफाकी तफ्तीशकारों से झूठ बोला। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर कौमी सलामती माइकल फ्लिन का इकबाल जुर्म। इस मामले पर फ्लिन को 5 बरस कैद की सजा भी हो सकती है। भारत अपनी मुसलमान आबादी की फलाह के लिए इकदाम करे। भारतीय आवाम मजहबी बुनियाद पर तकसीम के खिलाफ आवाज उठाएं। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का भारत में खिताब। अमरीका ईरान एटमी मुहादे से अलग हुआ तो मनफी नतज निकलेंगे। ट्रंप के इकदाम का शुमाली कोरिया पर बुरा असर पड़ेगा। रूसी वजीर खारजा सरगे लारूफ ने खबरदार कर दिया। ईरान 40 साल से दहशतगर्दी की पुश्त पनाही कर रहा है। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जबीर का इल्जाम। कहा ईरान हिजबुल्लाह को मनी लॉन्ड्रिंग और असलहे की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान ने इल्जाम मुस्तरद कर दिए। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं सऊदी अरब ने शामी हुकूमत के खिलाफ दाइश की हिमायत की।